नमस्कार, द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के यूनिट हेड प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल मौजूद हैं, और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है बैक पेन। आमतौर पर पिछले कुछ समय से यंगस्टर्स हैं, चाहे जो वृद्ध है, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें ये जो समस्या है आमतौर पर काफी आम हो चुकी है। बैक पेन की समस्या लगातार उनमें बन रही है, और आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे बैक पेन, नेक पेन क्या कारण है और किस वजह से ये हो रहा है? देखिए, बैक पेन, नेक पेन जो है, एक तो आजकल जो फिजिकल इनएक्टिविटी और जो वर्किंग स्टाइल है जिसके अंदर की पोस्चर का ध्यान नहीं रखा जाता है, उन कारणों से ये बढ़ रहा है। यंगस्टर्स के अंदर नेक पेन की समस्या, लंबे समय तक कंप्यूटर के ऊपर काम करना और बैठे रहना, फिजिकल इनएक्टिविटी, कहीं घूमने नहीं जाना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, इन सब चीज़ों से जो स्पाइन है उसका जो मस्कुलेचर है वो कमज़ोर हो जाता है, और जब वो कमज़ोर होता है तो उसके बाद में उसका जो कर्वेचर है, लॉर्डोसिस है, वो गड़बड़ाने लगता है और डीजनरेटिव चेंजेस अर्ली एज के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण से लंबर डिस्क डिजीज़, सर्वाइकल डिस्क डिजीज़, ये सब आजकल बढ़ती जा रही है। सर, जो मुख्य कारण है वो क्या मान सकते हैं? जैसे आपने पोस्चर बताया, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति फिट भी है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। देखिए, डिस्क डिजीज़ जो अपन इसको मेन कारण मानते हैं बैक एक का या नेक पेन का, ये केवल पोस्चर से ही रिलेटेड नहीं है, ये इनकी वजह से बढ़ रही है। बट इसके अलावा किसी भी चोट लगने के कारण, सिंपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते एकदम से झटका लगा गर्दन में या कमर में, और डिस्क जो है वो आपकी खराब हो गई। कोई आपने जोर से वजन उठाया तो उसी समय एकदम से झटका लगा और आपको डिस्क डिजीज हो गई, या सिंपली आप कोई सामान नीचे गिर गया और उसको उठाने के लिए झुके और उस समय आपके कमर में या गर्दन में कहीं पर झटका आ गया और डिस्क की बीमारी हो गई। तो इन सब चीज़ों के चलते भी स्पोर्ट्समैन के अंदर, स्पोर्ट्समैन जो है वो खेलते हुए, उनको जो है ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमनली होती हैं, तो यही ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जो है ये डिस्क डिजीज हो सकती है। L1, L2, L3 वाला सर कई बार सुनने को मिलता है, दर्शक जानना भी चाहेंगे क्या कुछ होती है ये चीज़ें। देखिए, क्या होता है कि जो स्पाइन है वो एनाटॉमी के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक अपना सर्वाइकल रीजन होता है, एक मिड बैक रीजन जिसको कि अपन थोरेसिक रीजन कहते हैं वो होता है, और एक लोअर बैक रीजन जिसको अपन लंबो सेक्रल रीजन कहते हैं वो होता है। तो जो L1, L2, L4, L5 ये सब चीजें जो होती हैं उसमें क्या है, 5 लंबर वर्टिब्रा हैं जिनको कि 1, 2, 3, 4, 5 लेबल किया गया है। यदि मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपके L4, 5 की डिस्क है, तो इसका मतलब जो आपकी लोअर बैक की चौथे नंबर की वर्टिब्रा यानी कि लंबर 4 वर्टिब्रा और लंबर 5 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है जिसने उनको ज्वाइन कर रखा है वो डिस्क खराब हो गई है। इसी प्रकार से जो गर्दन के अंदर है उसमें 7 वर्टिब्रा है, C1 से लेकर के और C7 तक। तो अगर गर्दन में मान लीजिए कोई कहता है कि साहब आपकी C4, 5 की डिस्क है, तो इसका मतलब आपकी जो गर्दन की चौथे नंबर की वर्टिब्रा और पांचवे नंबर की वर्टिब्रा है इसके बीच की डिस्क खराब हो गई है, और उसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है। ये डिवीजन है। बिल्कुल सर, अब इसके इलाज की बात करें तो कई बार एक्सरसाइज बताई जाती है, ऑपरेशन भी कई बार होते हैं, तो थोड़ा क्लियर कीजिए कि क्या कुछ किस तरह से इलाज होता है इसका। देखिए, इसमें क्या है कि 3-4 चीजें हैं जिन पे अपने को ध्यान देना जरूरी है। एक तो यदि मान लीजिए कि आपके डिस्क के कंप्रेशन की वजह से यदि किसी भी नस के अंदर सूनापन या लकवाग्रस्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके अंदर आपको, यदि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना है, तो आपको तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए, है ना। यदि केवल पेन है और पेन के अलावा उसमें कोई कमजोरी या लकवाग्रस्त होने की अभी कोई प्रक्रिया नहीं है या सूनापन नहीं है, तो आपको यदि डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं कि भाई आपको इसके लिए ऑपरेशन कराना चाहिए, तो ये चीज जो है पेशेंट के पेन के स्टेटस पे और कितनी डिस्क की वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर है,
इस पे डिसाइड होगा कि ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। कई बार छोटे डिस्क प्रोट्रूजन्स होते हैं, उसको यदि अपन सिंपली कंजर्वेटिव मेजर्स जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई आप रेस्ट कर लें, आप झुकने का काम नहीं करें, आप नीचे बैठने का काम नहीं करें, आप वजन का काम नहीं करें, और दवाई के द्वारा, इन चीजों के द्वारा भी छोटी डिस्क डिजीज का इलाज संभव है। बिल्कुल सर, पोस्चर की आपने बात की, कई बार वेट बढ़ने के कारण भी ये समस्या सामने आती है। वेट बढ़ने से जो स्पाइन का कर्वेचर है वो गड़बड़ा जाता है, तो इसकी वजह से जब कर्वेचर गड़बड़ाता है तो जो स्पाइन है वो एक्सियल सिस्टम है बॉडी का, मेन एक्सिस है जिसके ऊपर वेट बेयरिंग हो रही है। तो यदि आपका वजन बढ़ गया, आपका पेट भार आ गया, तो अब क्या है, आप इस तरह सीधे नहीं खड़े होंगे, आप ऐसे खड़े होंगे, तो आपकी जो स्पाइन है उसका कर्वेचर चेंज हो गया है, तो आपकी वेट बेयरिंग का सिस्टम भी खराब हो गया, तो आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसके खराब होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। सर इसकी बात करें, इलाज की अगर बात करें, तो आजकल किस तरह के इलाज जो हैं अस्पतालों में मौजूद हैं, जो मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह के इलाज जो है सजेस्ट किए जा रहे हैं? हाँ देखिए, जिनको कंजर्वेटिव मेजर्स की आवश्यकता है, जिनके अंदर की ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उनका तो सिंपली अपन मेडिकेशन और पॉस्चुरल, इन चीज़ों पर ध्यान रख करके इलाज किया जा सकता है। जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने लेवल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, लोकलाइज्ड प्रेशर है या जनरलाइज्ड है, इसके आधार पे सर्जरी तय होती है। आजकल माइक्रोस्कोप की सर्जरी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहलाती है, उसके अंदर छोटे इंसिजन के द्वारा काफ़ी बड़ा एरिया जो है स्पाइन का कवर कर लिया जाता है और सर्जरी की जा सकती है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक सर्जरी भी जो है आजकल प्रेवलेंट है, इम्प्रूव हो रही है, और इसमें भी क्या है, दो डायमेंशन में एंडोस्कोप भी अवेलेबल हैं और अब थ्री डायमेंशनल एंडोस्कोप्स भी अवेलेबल होने लग गए हैं, जिनके द्वारा की सर्जरी का प्रेसिजन जो है वो इम्प्रूव हो गया है और डिस्क सर्जरी के ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। भ्रांति जो ये है लोगों के अंदर कि यदि हमने कमर का ऑपरेशन करा लिया या गर्दन का ऑपरेशन करा लिया तो फिर अब मैं चलने फिरने लायक नहीं रहूँगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऑपरेशन कराने के बाद में ज़्यादातर मरीजों को फायदा होता है। फायदा तब नहीं होता है जब आप लंबे समय से बीमारी को लेकर के चलते जा रहे हैं और ऑपरेशन की सलाह के बावजूद ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मरीज को ऑपरेशन का फायदा कम मिलता है। सर कमर दर्द की हमने बात की, आपने स्पाइनल की बात की, तो एक सर्वाइकल वाला पेन जो होता है शायद वो भी इसी से जुड़ा होता है। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, ये पूरा एक स्पाइनल सिस्टम है। सर्वाइकल पेन जो है वो पोस्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है, और यदि अपन पोस्चर ठीक रखें तो काफ़ी सारे सर्वाइकल पेन को बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ कंजर्वेटिव मेजर्स के द्वारा इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इलाज की हमने बात की, लेकिन इलाज हो जाता है उसके बाद फिर किस तरह की सावधानियां बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, यदि एक बार आपके सर्वाइकल, लंबर या थोरेसिक डिस्क डिजीज होगी और यदि उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आपको जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं यानी कि पोस्चर का ध्यान रखना, झुकने का ध्यान रखना, नीचे बैठने का, उकड़ू बैठने का, वजन नहीं उठाने का, ये सब चीज़ें आपको अनवरत अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करनी चाहिए। ये बीमारी बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे समझ लीजिए कि किसी को डायबिटीज की बीमारी हो गई, अब उसको मीठा नहीं खाना है, उसी प्रकार से आपको कमर का, गर्दन का भी अपना ध्यान रखना है कि आपको वजन का, नीचे बैठने का, झुकने का काम नहीं करना है। बिल्कुल, मनीष अग्रवाल जी ने बताया जो कमर दर्द से संबंधित जो बीमारी है, सर्वाइकल से संबंधित जो बीमारी है, किन कारणों से होती है, किस तरह का इलाज फिलहाल उसमें मौजूद है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर बात की है। आप जुड़े रहिए द नगरी न्यूज़ से। नमस्कार।